अपने माता पिता का दिल ना दुखाओ। शादी की सुहाग सेज पर बैठी एक स्त्री का पति जब भोजन का थाल लेकर अंदर आया तो पूरा कमरा उस स्वादिष्ट भोजन की खुशबू से भर गया। उस स्त्री ने अपने पति से निवेदन किया कि माँ जी को भी यही बुला लेते तो हम तीनों साथ बैठकर भोजन करते। पति ने कहा, छोड़ो, उन्हें वो कहकर सो गई होगी, आओ हम साथ में भोजन करते। उस स्त्री ने पुनः अपने पति से कहा कि नहीं, मैंने उन्हें खाते हुए नहीं देखा है। तो पति ने जवाब दिया कि क्यों तुम जिद कर रही हो, शादी के कार्यों से थक गई होगी इसलिए सो गई होगी, नींद टूटेगी तो खुद भोजन कर लेगी, तुम आओ हम प्यार से खाना खाते हैं। उस स्त्री ने तुरंत तलाक लेने का फैसला कर लिया और तलाक लेकर उसने दूसरी शादी कर ली और इधर उसके पहले पति ने भी दूसरी शादी कर ली। दोनों अलग अलग सुखी घर गृहस्थी बसा कर खुशी खुशी रहने लगे। इधर उस स्त्री के दो बच्चे हुए जो बहुत ही सुशील और आज्ञाकारी थे। कई वर्ष बीत जाने के बाद एक दिन वह औरत अपने बेटों के साथ यात्रा पर गई हुई थी। एक जगह तीनों माँ बेटे भोजन के लिए रुके और बेटे भोजन परोसकर माँ से खाने की विनती करने लगे। उसी समय उस स्त्री की नजर सामने एक फटे हाल भूखे और गंदे से एक वृद्ध पुरुष पर पड़ी जो इस स्त्री के भोजन और बेटों की तरफ बहुत ही कातर नजर से देख रहा था। उस स्त्री को उस पर दया आ गई और बेटों को बोली, जाओ पहले उस वृद्ध को नहलाओ और उसे वस्त्र दो, फिर हम सब मिलकर भोजन करेंगे। बेटे जब उस वृद्ध को नहलाकर कपड़े पहनाकर उसे उस स्त्री के सामने लाए तो वह स्त्री आश्चर्यचकित रह गई। वह वृद्ध वही था जिससे उसने शादी की सुहागरात को ही तलाक ले लिया था। उसने उससे पूछा कि क्या हो गया जो तुम्हारी हालत इतनी दयनीय हो गई? तो उस वृद्ध ने नजर झुका के कहा कि सब कुछ होते ही मेरे बच्चे मुझे भोजन नहीं देते थे, मेरा तिरस्कार करते थे, मुझे घर से बाहर निकाल दिया। उस स्त्री ने उस वृद्ध से कहा कि इस बात का अंदाजा तो मुझे तुम्हारे साथ सुहागरात को ही लग गया था जब तुमने पहले अपनी बूढ़ी माँ को भोजन कराने के बजाय उस स्वादिष्ट भोजन की थाल लेकर मेरे कमरे में आ गए और मेरे बार बार कहने के बावजूद भी आपने अपनी माँ का तिरस्कार किया, उसी का फल आज आप भोग रहे हैं। माता पिता के साथ तुम्हारा सलूक एक ऐसी कहानी है जिसे लिखते तो तुम हो लेकिन तुम्हारी संतान तुम्हें पढ़कर सुनाती है। जैसा व्यवहार हम अपने बुजुर्गों के साथ करेंगे उसी देखा देख कर हमारे बच्चों में भी यही गुण आता है कि शायद यही परंपरा होती। याद रखना, माँ बाप नाराज तो ईश्वर नाराज। आशा करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें।